श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 33वां सर्ग। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का यह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं, आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। परंतु उनका मन तो पाप से बना हुआ था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें यही धर्म संगत बातें कह रही थी तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई, बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया, पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एकमत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। कुकुत्सुकुल नंदन श्री राम, देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय वह था कि किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं उधर्वरेता नैष्टिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे अथवा ब्रह्मचिंतन रूप तपस्या में संलग्न थे। श्री राम, तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना अर्थात अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उसका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ के मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति अर्थात ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे बाह्य तप अर्थात ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं। मुनि, आपका भला हो, मेरे कोई पति नहीं है, मैं ना तो किसी की पत्नी हुई हूं ना आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूं, आप अपने ब्रह्मकाल अर्थात तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। उस
गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्मऋषि चूली ने उसे परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वे उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था, उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। कुशनाभ के यहां जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो कांपिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग के अमरावती पुरी में देवराज इंद्र। कुकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्नचित से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणि ग्रहण किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सबकी सब कन्याएं कुपचत्व दोष से रहित निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्रवधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामायण आदि काव्य के बालकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद, आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।